हेलो बच्चों, आज हम पौधों में प्रजनन के बारे में और जानेंगे। अब हम पौधों के लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि नर और मादा युग्मक होते हैं, और मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन यानी कि युग्मन से युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। इसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर जाइगोट एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो बेबी प्लांट में परिवर्तित हो जाता है अंडर द राइट कंडीशंस। लेकिन जिन पौधों में फूल नहीं होते हैं और शायद उसमें बीज भी नहीं होते हैं, उनमें प्रजनन किस तरह से होता होगा? आपने कभी सोचा है? तो आप जानते हैं कि पौधों में प्रजनन के कई और तरीके भी होते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि नर और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। चलिए देखें कि ये कैसे होता है। तो पौधों में बगैर बीज के भी प्रजनन हो सकता है। कभी-कभी पौधों के किसी भाग से नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कुछ माइक्रोस्कोपिक जीव जैसे यीस्ट, हाइड्रा आदि में लंबे बल्ब जैसी कली या मुकुल बन जाते हैं। फिर ये बढ़ता है और जनक कोशिका या पेरेंट सेल से अलग होकर एक नया पौधा बन जाता है। ये एक बहुत आसान और रोचक प्रक्रिया है। हाइड्रा में एक ही समय में बहुत सारी बड्स भी बन जाती हैं। इस तरह के प्रजनन को बडिंग या मुकुलन कहते हैं। स्पाइरोगाइरा, ये एक तरह का एल्गे है जो हरे धागे के समान दिखता है। ये तालाब या गंदे नालों की सतह पर अक्सर दिखाई देते हैं। ये परिपक्व जीव केवल दो या ज्यादा भागों में बढ़ जाते हैं और हर भाग नए पौधे के रूप में पनपता है। न सिर्फ स्पाइरोगाइरा, अन्य कई पौधे भी परिपक्व पौधे यानी कि भागों या खंडों में विभाजित हो जाते हैं और फिर हर एक भाग एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। इस प्रकार के प्रजनन को फ्रैगमेंटेशन या खंडन कहते हैं। फर्न, मॉसेस इत्यादि में फूल तो नहीं होते हैं, इसलिए इनके बीज भी नहीं बनता है। इसके स्थान पर बीजाणु यानी कि स्पोर इनके प्रजनन अंग हैं, जो अधिकांशतः गोलाकार होते हैं और कठोर सुरक्षात्मक दीवार से ढके हुए होते हैं। ये स्पोर एक कोशीय या बहुकोशीय हो सकते हैं। मॉस या काई में स्पोर का आवरण फट जाता है। स्पोर हवा में फैल जाते हैं। कई फंगाई में भी स्पोर्स द्वारा प्रजनन होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तब स्पोर्स अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि स्पोर अपनी कठोर दीवार को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और कोशिकाओं का गुणन होने लगता है और फिर स्पोर नए पौधों में बदल जाते हैं। इन सभी विधियों, मुकुलन या बडिंग मेथड, खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन मेथड और बीजाणु यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, जिनमें केवल पौधों के अंगों का दो या अधिक भागों में विभाजन होता है या स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, इन्हें अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधियां कहते हैं। चलिए अब पौधों में प्रजनन की एक और अलैंगिक विधि के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कुछ पौधों में नए पौधों का जन्म पौधों के
कायिक भागों से यानी कि वेजिटेबल पार्ट से ही होता है, जैसे जड़, तने, पत्तियां आदि द्वारा। इसे कायिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें मेल या फीमेल गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इस तरह के प्रजनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। कुछ पौधों में जड़ें प्रजनन में मदद करती है, जैसे कि डहलिया, एस्पराग्स की जड़ें नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। डहलिया का पौधा अतिरिक्त भोजन को अपनी सेडिमेंट्री रूट्स में जमा कर लेता है और इससे ये जड़ें फूल जाती हैं। इन्हें ट्यूबरस रूट यानी कि कंदिल जड़ें कहते हैं। कई बार पौधों का ऊपरी भाग मर जाता है, लेकिन ट्यूबर्स तो जमीन में रहती हैं। फिर इन्हीं ट्यूबर से नया पौधा निकल आता है और पौधों के गुणन में मदद करता है। तो इस तरह जड़ें पौधों के प्रजनन में मदद करती हैं। हम जमीन के अंदर स्थित तनों के बारे में तो जानते हैं, जिनमें भोजन संग्रहित रहता है, जैसे कि आलू, अदरक, प्याज आदि में। इस प्रकार के तनों में विशेष भागों से नए पौधे पनपते हैं, जैसे आलू की ऊपर छोटी कलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम आंख भी कहते हैं। एक आलू का टुकड़ा काटिए, जिसमें कि आंख भी हो, और इसे मिट्टी के अंदर रखिए। अनुकूल परिस्थितियां होने पर इसमें से नया पौधा निकल आता है। जिंजर एक राइजोम है, जो कि एक जड़ है जो कि जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली बढ़ता है और भोजन जमा करता है। इसमें भी बड्स यानी कि कलिकाएं होती हैं, जिनसे नए पौधे भी उग सकते हैं। प्याज भी एक तरह का बल्ब है। बल्ब भूमिगत संग्रहण भाग यानी कि अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है, जो तने और पत्तियों से बना हुआ होता है। बल्ब में फ्लैशी स्केल्स की कई परतें होती हैं, जो कि वास्तव में पत्तियां होती हैं, और बल्ब के बीच में होता है एक बड़। समय आने पर यही बड़ एक नए पौधे में बदल जाता है। कुछ पौधे पत्तियों के द्वारा प्रजनन करते हैं, उदाहरण के लिए ब्रायोफिलम लीव्स। इनके किनारे आप अगर गौर से देखेंगे तो उन पर कलिकाएं या बड्स होती हैं। जब ये पत्तियां पेड़ से गिरती हैं, तो इन बड्स में से नए नए पौधे उग आते हैं। जैसा कि हमने देखा, कई पौधे, मुख्यतः ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होती हैं, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव मेथड द्वारा जड़, तने, पत्तियां द्वारा नए पौधों को प्राकृतिक रूप से जन्म देते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की नेचुरल मेथड्स हैं। आप जानते हैं, मनुष्य नए पौधे उगाने के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कृत्रिम विधियों का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हम गुलाब के तने का एक भाग काटकर नम जमीन पर लगा देते हैं और फिर कुछ समय के बाद इनमें से जड़ें निकल आती हैं और ये नए पौधों में बदल जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इस कृत्रिम विधि को कटिंग या कलम के नाम से हम जानते हैं। इस कटिंग के मेथड का उपयोग शुगर केन, हिबिस्कस, बगुनविलिया आदि में भी होता है। अंगूर, जैस्मिन प्लांट में एक नई शाखा जमीन की ओर झुक जाती है और फिर ये मिट्टी की परत से ढक जाती है। कुछ ही समय बाद इसमें से जड़ें निकल आती हैं। जब इस शाखा को पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है, तो ये एक स्वतंत्र पौधे में बदल जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इस कृत्रिम तरीके को लेयरिंग कहते हैं। हमें पौधों की नई और विकसित किस्में कैसे मिल सकती हैं?
खास तौर पर नए किस्म के फलों और साज सज्जा के पौधों की। ये काम भी रिप्रोडक्शन की कृत्रिम वृद्धि यानी कि ग्राफ्टिंग द्वारा हो सकती है। इस तकनीक में विभिन्न पौधों की शाखाओं को ऑर्गेनिकली यानी कि जैविक तरीके से हम जोड़ देते हैं। जिस ऊपरी भाग यानी कि शूट को स्थानांतरित किया जाता है वह स्कियन या पल्लव कहलाता है और निचला भाग जिसमें यह जोड़ा जाता है उसे स्टॉक कहते हैं। इस तरह स्टॉक स्कियन को पानी और खनिज तत्व प्रदान करते हैं। समय के साथ साथ जिस जगह से ये पौधे जुड़े हैं वहाँ पर एक नई कोशिका उत्पन्न होने लगती है और पौधों की एक नई किस्म की उपज होती है। तो बच्चों, हमने जो आज सीखा उसे एक बार फिर दोहराते हैं। पौधों में कई विधियों से प्रजनन होता है। इन्हें मोटे मोटे रूप से लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में जाइगोट जिसमें से एक नया पौधा निकलता है उसे बनाने के लिए नर और मादा युग्मक यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। अलैंगिक प्रजनन में अन्य विधियां होती हैं जिनमें नर और मादा युग्मक यानी कि फीमेल एंड मेल गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को इन विधियों में वर्गित किया जा सकता है। बडिंग मेथड या मुकुलन जिसमें मुकुल नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। फ्रैगमेंटेशन या खंडन इसमें पौधों का दो या अधिक भागों में खंडन हो जाता है और हर भाग एक नए पौधे के रूप में पनपता है। स्पोर फॉर्मेशन मेथड यानी कि बीजाणु निर्माण विधि इसमें बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधों में विकसित हो जाते हैं और अंत में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर कायिक प्रवर्धन जिसमें कि पौधों का कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। साथ ही ये भी याद रखिए कि कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्राकृतिक रूप से तने या जड़ द्वारा भी हो सकता है और मनुष्य द्वारा लेयरिंग या फिर कटिंग या ग्राफ्टिंग विधि द्वारा कृत्रिम रूप से भी नए पौधे को हम जन्म दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही बच्चों। गुड बाय।